से मामू आए हैं, वो इसलिए आए हैं क्योंकि गांव में थे तो पूरा दिन जो था हम पहले 6 बजे उठते थे, तो यहाँ पे जैसे ही कराची में आए तो फिर हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम है कराची में, हमारी मॉर्निंग सुबह कराची में हुई है और 6 बजे हुई है। पहले हम सुबह 11 बजे उठते थे, आज 6 बजे उठा हूँ, आदत हो गई है ना, क्योंकि पहले गांव में अभी रहते थे तो डायरेक्ट अभी कराची में आए हैं। तो नाश्ता भी बन चुका है, वो भी कराची वाला पानी वाला दूध होता है, उसकी चाय बनी है। ये देखिए नाश्ता बन चुका है, रोटी है, चाय है, फुल प्याला दे दिया है हमको, बिल्कुल फुल, और इसमें हम टुबी मारेंगे और भिंजेंगे। चलिए जी बिस्मिल्लाह कर लेते हैं हम। तुमने खाना खा लिया? सो गाइस अभी हम आए हैं हाईवे पर और अपने मामू का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि वो गांव से आ रहे हैं। सो गाइस अभी 2 बज रहे हैं और मैंने खाना वाना भी खा लिया, लंच भी हो गया है, हो चुका है, और हमारे गांव से मामू आए हैं, वो इसलिए आए हैं क्योंकि गांव में ना नेटवर्क चल रहा है, ना नेट चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है, ये वाईफाई की वजह से ये हमारे घर रहे हैं आज, वाईफाई यूज़ करने के लिए बहुत परेशान हो गए थे, तो अभी देखें मोबाइल में लगे हुए। सो गाइस जैसे ही मैं घर से बाहर निकला तो मैंने देखा कि हमारे शहर में जो रोड बनता है, पहले ब्लैक रोड बनता था, उसमें पत्थर लगते थे, तो अभी ये जो है ब्लॉक्स लग रहे हैं और ब्लॉक्स का रोड बन रहे हैं। सो गाइस शाम के 5-6 बजने वाले हैं और चाय का टाइम हो चुका है कराची में। सो गाइस मेरे साथ निज़ाम भी चल रहा है क्योंकि हमने पार्किंग में कार खड़ी की, है तो वो लेने जा रहे हैं। पार्किंग में पहुंच चुके हैं जी, चलो जी अंदर चलते हैं। सो गाइस फाइनली हम कार में बैठ चुके हैं, अभी तो हम जा रहे हैं घर, और घर जाने से पहले हमें लेना है दूध, वो भी क्यों मिल्क चाय बनाने के लिए। भाई 5 बज चुके हैं 6 बज चुके हैं, दूध लिया नहीं, ना चाय बनाई है, ना कुछ बनाया, कुछ भी नहीं हुआ, कोई सीन नहीं बना चाय का, तो पहले हम दूध लेंगे फिर चाय बनाएंगे। कौन से बाड़े से लोगे? किरांची वाले हैं ना हम, तो किरांची से सिर्फ शॉप से ही, तो डब्बे वाला दूध पियो ना, भैंस का दूध बहुत अच्छा होता है। ये कोई इवेंट वगैरह चल रहा है सामने, ये बस भी खड़ी हुई है और ये मेहमान है जी, ये सामने सूरज डूबने वाला है भाई, और ये गाड़ी है, और ये निजाम है, और यहाँ निजाम ड्राइविंग कर रहा है, मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, और ये गाड़ी देखो यार कितनी छोटी सी है, गांव में जब हम थे तो पूरा दिन जो था हम पहले 6 बजे उठते थे, तो यहाँ पे जैसे ही कराची में आए तो फिर दोबारा से वही रूटीन हो गई। कराची वाले लेट उठते हैं ना, कराची में हम 11 बजे उठ रहे हैं और इतना छोटा सा दिन हो रहा है, छोटा सा दिन है, और जब हम गांव में थे तो बड़ा सा दिन हो रहा था, तो हम देर से उठते ना इसलिए छोटा सा दिन हो जाता है, तो जल्दी उठेंगे तो बड़ा दिन हो जाएगा। दूध की शॉप आ चुकी है सामने वाले, यहाँ से मैं दूध लूंगा। गाड़ी क्यों नहीं खुल रही? तो गाइस मैं जा रहा हूँ दूध लेने, पैसे मिल चुके हैं, पहले गेट नहीं खुल रहा था, अब खुल गया। सो गाइस फाइनली दूध ले लिया है, तो अब चलते हैं जल्दी जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर। सो गाइस निजाम अभी जा रहा है मिठाई लेने क्योंकि बहुत दिन हो गए मिठाई हमने खाई नहीं है, तो वहां से लेने जा रहा है, वो सामने शॉप है वहां पे मिठाई वाला मेमार शीरीन, ये मेमार में बहुत फेमस है। और सो गाइस एलियास जो है ना बहुत नाराज था जब मैं गांव गया हुआ था, तो उसके लिए मिठाई लेके जा रहे हैं, जब उसको मिठाई खिलाएंगे तो उसको थोड़ा खुश कर देंगे क्योंकि वो बहुत सैड हो गया, तो इसलिए उसके लिए मिठाई लेके जा रहे हैं, वो मिठाई खा के खुश हो जाएगा। जैसे अगर गांव की बात की जाए तो गांव में मुझे बहुत मजा आया, वहां की हवाएं और वहां का खाना, वहां की हर चीज, और वहां की सबसे स्पेशल तो वहां की मेहमान नवाजी, वहां की मेहमान नवाजी बहुत ही अच्छी थी, हर चीज ताजा थी, और यहाँ पे कराची में हर चीज ऑयल होती है, मतलब यहाँ की हवाएं और यहाँ का पानी बहुत ऑयली होता है। आ रहा है निजाम, उसने 2 थैलियां ली हैं, देखते हैं और क्या लिया है इसने, मिठाई तो ली है, एक डब्बा मिठाई लिया है और दूसरा पता नहीं क्या लिया है इसने, चलो आएगा तो पता चल जाएगा क्या लिया है। ये रही मिठाई और खुशबू तो पकौड़े सबोसे की लग रही है। ये रही मिठाई और इसके अंदर मुझे लग रहा है कि रसगुल्ले होंगे। मेमार की बेकरी है, बड़ी अच्छी बेकरी है। अब इतने झटके क्यों दे रहा है गाड़ी, तो रोड बनवा लो ना नया। नहीं रोड तो बिल्कुल सही है। ये देखें 2 समोसे लेके आया, अच्छा एक मेरे लिए लेकर आए हैं और निजाम अपने लिए भी लेकर आए हैं एक समोसा। तो ये रही इसकी चटनी है, मेरे ख्याल में रायता है इसके अंदर है ना। वो सीन याद है जो हम मेमार में चाय पी रहे थे और समोसा खा रहे थे, क्या सीन था चारों तरफ से, और बारिश और बादल का मौसम था यार। रोड कराची के रोड बहुत घटिया रोड है कराची के,
एक तो ट्रैफिक, दूसरा रोड, ये दोनों चीजें बहुत घटिया है यहाँ कराची की। छोड़ो यार चटनी को, छोड़ो नहीं खोलते क्योंकि यहाँ के रोड ही ऐसे, जैसे ही चटनी खोलूंगा पूरी चटनी पूरी गाड़ी में ऐसे फैल जाएगी, मुंह में चली जाएगी, नाक में चली जाएगी, हर जगह फैल जाएगी। तो इसलिए चटनी को रखते हैं, सिर्फ समोसा खाते हैं। ये किसने कहा? ताजा ताजा गरम गरम समोसा। मुंह में पानी तो नहीं आ रहा ना? नहीं, समोसा आ रहा है। अगर तुम्हारे मुंह में पानी आ भी रहा है ना तो जल्दी से कोई नीचे से बोतल उठा और पानी पी लो, सही है। सो गाइस फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं। सो गाइस फाइनली चाय बन चुकी है और ये रही ब्लैक कप में चाय। तो जल्दी से चाय एंजॉय करते हैं और बिस्मिल्ला करते हैं, फिर चाय के बाद मिलते हैं आपसे। ओए होए होए हुई 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 हुई, सूरज तो नजर ही नहीं आ रहा। ओए हो, ये कौन बैठा हुआ है सामने? ये कौन है, कौन है, कौन है, ये क्या कर रहा है इधर छत में? सो गाइस फाइनली चाय वाय तो पी ली है। और दूसरी बात, आजकल पाकिस्तान में चल क्या रहा है भाई? और जब से मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और दो तीन दिन से ना नेट नहीं चल रहा यार, नेटवर्क का बहुत इशू चल रहा है। पाकिस्तान में कुछ भी हो जाता है, नेटवर्क को पता नहीं क्यों इशू बना देते हैं और यूट्यूब और नेट इंटरनेट का मसला बनाते हैं। पता नहीं, समझ नहीं आती इन पाकिस्तान हुकूमत की, गवर्नमेंट की। बस अब क्या कर सकते हैं, रहना तो है, मजबूरी में अब रह रहे हैं। और जब से मेरी वीडियो वायरल हुई है गाँव वाली वेडिंग सेरेमनी जगह दिखा रहा था, तो वो वीडियो जैसे ही वायरल हुई, एक ही दिन में वायरल हो गई, उसी दिन से नेटवर्क का इशू बन गया। अभी भी यूट्यूब नहीं चल रहा है। LCD में हमने लैपटॉप कनेक्ट किया तो LCD में और कंप्यूटर में यूट्यूब नहीं चल रहा, और मोबाइल में तो चल रहा है, शुक्र है। मतलब पहले डेटा भी नहीं चल रहा था, अब थोड़ा डेटा चल रहा है, अब डेटा चल रही है। पता नहीं क्या होगा यार पाकिस्तान का, आपको समझ आ रही है पाकिस्तान की क्या होगा, इसका फ्यूचर क्या होगा पाकिस्तान का? मुझे तो लग रहा है सब छोड़ के चले जाएंगे पाकिस्तान, कहीं और दूसरी कंट्री में रहना चले जाएंगे सारे। व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके बाय, टेक केयर। एम गाड़ी क्यों नहीं खुल रही? लॉक कर दी क्या गाड़ी? हाँ को नहीं खुल रही। अबे ऐसा क्या कर दिया तुमने?